15 अगस्त को दिल्ली के ट्रैफिक रूट पर रहेगा बदलाव। लाल किले के आसपास के क्षेत्र में आवाजाही पर रोक। विपक्षी एकजुटता के लिए सोनिया गांधी की पहल। 20 अगस्त को बैठक में ममता उद्धव समेत कई दलों के नेता होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बलों के दल पर ग्रेनेड से हमला। कुलगाम में पाकिस्तानी आतंकी ढेर। राज्यसभा में हुए हंगामे का मामला जांच करेगी विशेष कमेटी। जांच के लिए कानूनी जानकारों से ली जाएगी राय। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी का हुआ तबादला। मनीष माहेश्वरी की अमेरिका में हुई नियुक्ति। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। राजधानी लखनऊ में स्थित बालू अड्डा क्षेत्र की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। यहां हाल ही में दूषित पानी पीने की वजह से दो बच्चों की मौत हो गई थी और कई लोग डायरिया से ग्रसित होकर अस्पताल में भर्ती हुए। अभी भी बीमार मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन सबके बावजूद अभी भी प्रशासनिक नींद नहीं खुली है। दरअसल दूषित पानी की समस्या से बालू अड्डा के निवासी अभी भी पार नहीं पा पाए हैं। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि नगर निगम और जलकल विभाग द्वारा जो पानी के टैंकर लगाए गए हैं उसमें भी पीने लायक पानी नहीं है। लोगों ने यह भी कहा है कि दो बच्चों की मौत के बाद भी नगर निगम और जलकल विभाग नहीं जागा है। मोहल्ले में जो सीवर लाइन और पानी की पाइपलाइन का काम हो रहा है उसमें अधिकारी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। काम करा रहे ठेकेदार टूटी हुई पाइप मोहल्ले में पीने वाले पाइप के लिए लगा रहे हैं जिससे दूषित पानी की समस्या दूर नहीं हुई है। अधिकारियों किसकी सूचना भी दी गई फिर भी पाइप नहीं बदली जा रही। हम लोग रह रहे हैं तब से हम लोग कह रहे हैं कि पानी गंदा आ रहा, पानी गंदा आ रहा, पानी गंदा आ रहा, कोई सुनवाई नहीं, कोई कंप्लेन में नहीं हुआ हो रहा। अब जो नगर निगम टैंकर लगा रहा है ये भी टैंकर का पानी एकदम गंदा आ रहा है, करछा रहा है, पीला पीला पानी है। को पी के बीमार बच्चे, यही पानी तो पी के बच्चे बीमार पड़े। आपके घर से भी कोई बीमार था? तीन तीन बच्चे मेरे बीमार रहे। जब सिविल में नहीं सुनवाई हुआ तो हम लोग प्राइवेट लेके भागे। छोटे छोटे बच्चन का न लेके भागते तो हाथ धो के बैठ जाते। अब सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? अब सरकार से क्या कर रहे हैं भाई, सुविधा हम कर दो, पानी सफाई दो, जो है जितना पैसा खर्च हो का मेहनताना दो। हम लोग का प्राइवेट जो इलाज कराए हैं कहाँ से, हम लोग मजदूर दरहा आदमी कहाँ तक का करेंगे। हम लोग तो बिकोटी जो पेयजल की समस्या है उसमें लगातार हम बालू अड्डे के अपने नागरिकों से संपर्क में हैं। हम वहाँ दो बार निरीक्षण कर चुके हैं, अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया, अस्पताल भी मैं जा चुका हूँ। अब कोई दिक्कत न हो इसके लिए बराबर हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन दूषित पेयजल कैसे पहुंचा इसकी हम जांच करा रहे हैं और कोई भी अधिकारी हो उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। पूरी पाइपलाइन को बदलने के निर्देश दिए गए हैं और कहीं से दिक्कत सेना में तैनात सूबेदार श्यामबीर की मृत्यु की सूचना जैसे ही ताजनगरी आगरा के शहीद परिवार में पहुंची तो शहीद के गाँव में सांत्वना देने के लिए आपको बता दें कि लोगों का तांता लग गया। सूबेदार श्यामवीर सिंह की मृत्यु की सूचना के बाद एतमदा तहसीलपुर के 20 से अधिक गांव में चूल्हा नहीं जलाया गया। आपको बता दें कि जब उनका पार्थिव शरीर लेकर सेना का वाहन गांव में पहुंचा तो हजारों की संख्या में तिरंगा झंडा हाथों में लिए ग्रामीणों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। गमगीन माहौल में लोगों ने श्रद्धांजलि देकर उन्हें अंतिम विदाई दी। शहीद के बेटे हर्ष चौधरी ने मुखाग्नि दी। मौके पर सेना पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के अलावा हजारों की संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत ही शूरवीर थे, इन्होंने बहुत देश के लिए महान अपना जीवन ही जो नौछावर कर दिया। ऐसे और भी गांव के अंदर जो पहले शहीद भाई धर्मवीर, अब ये दूसरी घटना है, इसलिए मैं इन सभी अपने जाट भाइयों का वो करता हूँ कि ये जो है ऐसे देश के लिए और ऐसा साहस बनाए रखे तो हमारा देश जो है। और आज इनके परिवार में पहले से भी आर्मी में रहे हैं, ये आर्मी के
देश की मतलब सेवा में इनकी भागीदारी पूरे परिवार की रही है, इस गांव की भी रही है और हमारे क्षेत्र में की भागीदारी बहुत रही है। ये घटना जो हुई है इससे पूरे क्षेत्र को दुख है, हमारे क्षेत्र में दुख की लहर दौड़ गई है। पूरा क्षेत्र यहाँ है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग यहाँ हैं। आज इतनी भीड़ आप लोगों ने भी देखी है, पूरी भीड़ यहाँ थी, सब लोगों को बराबर दुख था। जो श्यामवीर सिंह के घर वालों को दुख है। आजमगढ़ में टीजीटी परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां की। सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट को नियुक्त नेहरू हॉल में दी गई। आपको बता दें कि 17 और 18 अगस्त को जिले में 17 केंद्रों पर टीजीटी की परीक्षा होगी और इस परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। सेक्टर मजिस्ट्रेट स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने केंद्र व्यवस्थापक परीक्षा को संपन्न कराने वाले कर्मचारियों के साथ बैठक कर उन्हें ट्रेनिंग दी। आज टीजीटी की परीक्षा है 17 और 18 तारीख को दोनों पालियों में। हमारे 17 केंद्रों पर और 11 केंद्रों में अलग अलग पालियों में परीक्षा है। उसी परीक्षा के संबंध में हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक, केंद्र व्यवस्थापक की बैठक बुलाई थी और उनको सेंसिटाइज किया गया है कि परीक्षा को सुचारूपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया जाना है। इसी संबंध में बैठक नकल को किस तरह से रोकेंगे सर? नकल रोकने के लिए ही पूरा हमने स्टेटिक मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक, दो MI रहेंगे और प्रत्येक केंद्र पर हर एक कक्ष में एक विद्यालय के अध्यापक रहेंगे कक्ष निरीक्षक में, एक जिलाधिकारी द्वारा नामित। परीक्षा के लिए जो जो कोर्स पर्याप्त लगाया गया सेंटर्स पर और उस दिन जो आवागमन के हिसाब से भी ट्रैफिक रेगुलेट करने की व्यवस्था की गई है और परीक्षा के दौरान। लखनऊ में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रेसवार्ता की। ब्रजेश पाठक ने प्रेसवार्ता करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की पुण्यतिथि पर हो रहे कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में अटल जी के ऊपर नाटक का मंचन किया जाएगा। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस आयोजन में शामिल होंगे और लखनऊ के साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। बारिश के चलते इस वक्त जिले की सभी नदियां और नहरें उफान पर हैं। आसपास के सभी गांव बाढ़ से ग्रसित हैं। ऐसे में कानपुर देहात में मासूम बच्चे राम गंगा नहर के पुल से मौत को दावत देने वाली छलांग लगा रहे हैं और इससे भी हैरत अंगेज कारनामा एक युवक ने कर दिया जब उसने अपने मासूम बच्चे को गोद में लेकर नहर में छलांग लगा दी। गनीमत रही कि इससे कोई भी हादसा नहीं हुआ, लेकिन लोगों की ऐसी हरकतें मौत को दावत देने का काम कर रही हैं। स्थानीय थाना पुलिस मामले से अनजान बताए जा रहे हैं। लापरवाही इतनी है कि ऐसे समय पर जहां पर नदियां इस वक्त उफनती हुई नजर आ रही हैं, वहां नदियों और नहरों के पास सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं दिखाई दे रहे हैं। लगातार प्रशासन की अनदेखी इस पूरे मामले में देखी जा रही है, जिससे अनहोनी की आशंका बढ़ती जा रही है। ताजनगरी आगरा में बीते दिनों पहले अधिवक्ताओं के साथ पुलिस की ओर से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज तक ताजनगरी में दीवानी चौराहे पर अधिवक्ता संघ ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद SSP की ओर से अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए SP प्रोटोकॉल के साथ CO ने दीवानी परिसर में पहुंचकर अधिवक्ताओं की बात सुनी। वहीं अधिवक्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से आगरा पुलिस से समूचे आगरा की जनता पीड़ित है, वैसे ही अब अधिवक्ता भी पीड़ित हो चुके हैं। अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अधिवक्ताओं पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। वहीं अधिवक्ताओं पर हमले के मामलों में भी पुलिस एक महीने बाद मुकदमा दर्ज करती है। वहीं अधिवक्ता संघ के कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ता ब्रजेश भदौरिया और सचिन भदौरिया के साथ हुई अभद्रता के मामले में थाना प्रभारी रकाबगंज को निलंबित करने की मांग की गई है। हम हमेशा अधिवक्ताओं की समस्या को लेकर आगे रहे हैं। अभी 7 जून को मैं मॉर्निंग वॉक पर था तो अज्ञात हमलावरों ने मुझ पर पीछे से हिट किया, टक्कर मारी और मैं उसमें जो है इंजर्ड हुआ हूँ और अज्ञात लोग वहाँ से भाग गए। एक महीने बाद मेरी FIR दर्ज की पुलिस। अधिवक्ता संघ श्री मुकेश शर्मा जो उसके अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल था जिससे आज मुलाकात हुई थी। उन्होंने कुछ समस्याएं
समस्याएं रखी थी, उस समस्याओं पर उनको आश्वस्त किया गया है कि पूरी तरह से निष्पक्ष और तटस्थ कार्रवाई होगी और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध जो भी विधिक कार्रवाई बनती है। अलीगढ़ के थाना कुआरसी इलाके में नई आबादी इस्लाम नगर में सैकड़ों परिवार पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि सालों से ये इलाका मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस वजह से परेशान लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर ये मकान बिकाऊ है के स्लोगन लिख दिए हैं। यहाँ की सड़कें तो किसी पोखर से कम नहीं है, तरह तरह की बीमारियां यहाँ पर जन्म ले रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और एम्बुलेंस तक आने का यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ सिर्फ गंदगी का ही अंबार देखने को मिलता है, जबकि ये इलाका नगर निगम की सीमा में है, तब भी काम यहाँ पर नहीं किया जा रहा है और शहर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं जो कि किसी काम के साबित नहीं हो रहे हैं। हम देख रहे हैं मियां बिकलान है, हम कहीं जा ना सकते ना आ सकते, बीमार है, कहीं गाड़ी वाड़ी आती नहीं है, एम्बुलेंस नहीं आती है, पानी की वजह से कोई आता ही नहीं है, पानी बच्चे भी नहीं स्कूल भी नहीं जा पाते, ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। तो कहीं शिकायत करी आपने नगर निगम में या कहीं? बहुत जगह करी हमने, कोई शिकायत जाते हैं भाई, क्या कह दिया? अगर हो जाएगा तुम्हारा काम, मेरे कहा निकलवे की कोई सुविधा नहीं है, बच्ची हमारी और छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो निकल नहीं पाते हैं, बीच में कीचड़ हो जाती है मेरी। तो जैसे आबादी में औरों ने भी लिख रखा है मकान पे, ये क्यों लिख रहे हैं ये मकान पे? रास्ता ही नहीं है। अलीगढ़ के मैरिस रोड पर जलभराव की समस्या का निस्तारण करने के लिए नगर निगम सुपर एक्टिव हो गई है। एक होटल के सामने नाले पर बने स्लैब को निगम की टीम ने तोड़ दिया और कहा गया कि नाले पर अतिक्रमण करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसी कार्यवाही की वजह से नगर निगम के विरोध में होटल मालिक आ गया और होटल मालिक अपनी नाराजगी जताने लगे। उन्होंने होटल मालिक के साथ नोकझोंक भी की। कार्यवाही को लेकर कहा गया कि नगर निगम के अधिकारियों ने बिना किसी नोटिस के अपने मन से काम शुरू कर दिया। वहीं नगर आयुक्त गौरांग राठी ने बताया कि नाले पर अतिक्रमण सहन नहीं किया जाएगा। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा बुलंदशहर पहुंचे। यहां उन्होंने विचार संगोष्ठी सम्मेलन में ब्राह्मणों को संबोधित किया। कहा कि ब्राह्मण वोटों पर बसपा की पैनी नजर है। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने सतीश मिश्रा को कमान दी है कि वो ब्राह्मणों को बसपा से जोड़ने का काम करे। इसी के साथ ही उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ब्राह्मणों को नोट वोट और चोट देने का काम करती है। 2022 के चुनाव में जो हमारे कार्यकाल में 2007 से 12 में बहन मायावती जी ने जिस तरीके से पूरे प्रदेश में विकास किया था, जिस तरह से कानून द्वारा कानून का राज चलाया था और कानून चला करके दिखाने का काम किया था और जिस तरीके से सर समाज को लेकर के एक साथ चलने का काम किया था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार चलाई थी, उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो उत्पीड़न हो रहा आज दलित समाज ब्राह्मण समाज का, तो वो लोग बढ़ चढ़ करके हमारे साथ में आ रहे हैं आज, क्योंकि वो पहले भी आए थे, दोबारा हमारे साथ बढ़ के आ रहे हैं और ये संकल्प लेकर के। वहीं फतेहपुर में अमृत महोत्सव के अंतर्गत बच्चों ने फेस पेंटिंग कंपटीशन में प्रतिभाग किया। साथ ही बुजुर्गों के साथ देश की बात भी गांव के कई बुजुर्ग जुड़े और उन्होंने बच्चों के साथ अपने समय में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था इस बात को साझा किया। साथ ही सब बच्चों को लोग कुछ न कुछ आशीर्वाद देकर पुरस्कार बांट रहे हैं। बुजुर्गों ने प्राथमिक विद्यालय मुरारपुर में चल रहे अमृत महोत्सव कार्यक्रम की खूब प्रशंसा की। साथ ही बच्चों में देशभक्ति की भावना को विकसित करने के लिए कार्यक्रम की सराहना भी की गई। गए 15 अगस्त के दिन और इसके बाद फिर स्कूल आते थे। स्कूल आने के बाद प्रभात फेरी करते थे। प्रभात फेरी में देश गान होता था। इसके बाद राष्ट्रीय गीत भी स्कूल में आके करते थे और मिठाइयाँ भी मिलती थी जो उस समय उपलब्ध होता था और नाटक भी करते। वहीं सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में इन दिनों चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। चोरी की इस घटना से लोगों में भय का माहौल है, लेकिन पुलिस ने चोरी की घटनाओं में शामिल चोरों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आपको बता दें कि बीते दिनों पहले तो चुर्क चौकी क्षेत्र के सिलथरी नहर के पास एक दुकान में नकदी समेत हजारों रुपए की चोरी हुई। पीड़ित दुकानदार ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। वहीं पूरे मामले को लिखित शिकायत पुलिस चौकी में कर दी गई, लेकिन दुकानदार का आरोप है कि पुलिस ने तहरीर लेने के बाद भी अब तक चोरों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है।
मामला चोरी का है मेरे दुकान में। कब हुई थी? सोमवार को रात में हुई है चोरी। में खाने पीने का दुकान परचून का भरे का आइटम है, लेकिन उन्होंने चोर ने खाने पीने का एक भी आइटम नहीं छुआ। टोटल लड़कियों का, औरतों का, बच्चों का आइटम महंगी महंगी ब्रांडेड सामान छुआ है। सौ नंबर आई तो बोले कि बेटा मेरे बस में इक्वल नहीं है, पहले जाकर तुम रिपोर्ट लिखाओ फिर हम समझते हैं। तो मैंने रिपोर्ट लिखवाया, फिर शाम को दरोगा ने आया, दरोगा ने देखा ताका मोबाइल से फोटो खींचा जहाँ से चोर ने घुसा था, और गया कहा बेटा चोर बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, लेकिन उन्होंने पकड़ा नहीं। मैंने संज्ञान में किसी का जाके संकेत भी बताया, तब पर भी उसको बुला के चौकी पर उन्होंने पूछ जांच पे। वहीं अलीगढ़ रेलवे जंक्शन पर बड़ा हादसा सामने आया, जहां रेलवे पटरी क्रॉस करते समय विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर मां बेटा समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में दो बच्चे और एक महिला शामिल है। थाना रोरावर के महमूद नगर घटना से प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में जेआरपी पुलिस मौके पर पहुंच गई और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानकारी होने पर मृतकों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज मॉर्निंग में विक्रमशिला एक्सप्रेस 4:43 पे हमारे स्टेशन से थ्रू पास होती है। उसी दौरान कुछ लोग जो दिल्ली जाने के लिए आए थे, प्लेटफॉर्म पे चढ़ते समय उनके साथ हादसा हुआ है, जिसमें दो लोगों की ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गए हैं और एक बच्चा था जो 1.5 साल का है, उसको वो घायल हुआ था, उसको तत्काल जो है। रायबरेली में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधियों को रोकने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। इसी वजह से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने असलहे के दम पर SBI ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से 82,000 रुपए नकद व मोबाइल लूट कर फरार हो गए। मौके पर पहुंचकर अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी ने जांच शुरू कर दी और आसपास के थानों को अलर्ट करते हुए चेकिंग अभियान भी चलाना शुरू कर दिया। ग्राहक सेवा केंद्र है, उस ग्राहक सेवा केंद्र पर मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों ने ग्राहक सेवा केंद्र का जो मैनेजर था उससे 82,000 रुपये छीन लिए हैं। इस संबंध में तत्काल थाना अध्यक्ष नजीराबाद और CO सलोन मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। पूरे जनपद में चेकिंग शुरू करा दी गई है और इसमें तीन टीम। वहीं रायबरेली में परिवार को बंधक बनाकर की गई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। SOG टीम और पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लूट की गई नकदी समेत पूरा सामान पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने शातिर लुटेरों और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाना शुरू कर दिया है, जिसके अंतर्गत 5 लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। इसने अपनी एप्लीकेशन वगैरह सारी डाल दी थी और 10 तारीख को इसे कोर्ट में हाजिर होना था। 10 तारीख की डेट इसकी लगी हुई थी, क्योंकि इसे हाजिर होना था और इसके केस में इसका पैसा खर्चा होता, इसलिए इसने ये प्लान बनाया था कि अपने साथियों के साथ मिलकर एक घर में चोरी करेगा और उससे जो संपत्ति इसको मिलेगी उससे ही अपना केस लड़ेगा। नहीं हुआ था तो यीशु की चढ़ाई पे इसको चढ़ने का रास्ता मिल गया, उससे फांस करके ये अंदर घुसे और घर में जहाँ पे कि दरवाजा रहता उसके बगल में एक खेत था, उसमें हाथ घुसा के इन्होंने कुंडी खोली और अंदर ये घुस गए। खटपट की आवाज़ सुनकर जब परिवार वाले जागे तो रायबरेली में अधेड़ की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 48 घंटों के अंदर गोली मारने वाले आरोपी को SOG टीम और ऊंचाहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि ऊंचाहार थाना क्षेत्र में 11 तारीख की रात्रि एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली मारने वाले युवक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी की पत्नी से मृतक के अवैध संबंध थे और इसी वजह से युवक की हत्या की गई। एक शंभुनाथ यादव नाम के व्यक्ति जिनकी उम्र 50 वर्ष है, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में जब जानकारी की गई तो यह ज्ञात हुआ कि दिलीप यादव नाम के व्यक्ति ने इनकी हत्या की है, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ पर यह बात प्रकाश में आई कि दिलीप के पत्नी से मृतक के अवैध संबंध थे, जिसको लेकर यह उससे रंजिश मानता था, जिसके क्रम में इसके द्वारा यह। वहीं सिद्धार्थनगर के परसोहिया सदानंद गांव में बहने वाली राप्ती नदी का टान में
में बड़ी तेजी से इस वक्त देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि गांव का अस्तित्व इस वक्त खतरे में है, जिसकी सूचना मिलने पर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बाढ़ से हो रही कटान स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा गया है कि जल्द से जल्द कटान रोकने का प्रयास किया जाए। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि सालों से सरकार या प्रशासन द्वारा कटान से बचाव की कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि मंत्री और विधायक आते हैं और निरीक्षण करके सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई भी काम लोगों को देखने को नहीं मिला है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता के साथ मौके पर पहुंचकर हो रहे कामों का हम निरीक्षण कर रहे हैं। एक सप्ताह पहले गांव के लोगों ने सूचना दी कि नदी की धारा थोड़ी सी गांव की ओर मुड़ रही है, कटान हो रहा है। तो बलरामपुर के जो बाढ़ खंड के साथी अभियंता, उनको हमने कहा था कि तुरंत कोई तात्कालिक उपाय परकुपाइन वगैरह लगाने का करें। तो मुझे सूचना मिली थी कि काम शुरू हो गया, इसलिए आज उस काम का निरीक्षण करने आया था। अभी तात्कालिक समाधान तो हो गया है, कटान जो गाँव की तरफ हो रहा था उसको रोका गया है, लेकिन हमने बाढ़ खंड के सभी अधिकारियों को बुलाया था, सबको निर्देश दिया है कि वहाँ थोड़ी लूप कटिंग हो जाए ताकि नदी की धारा बदल जाए, गांव की ओर जो नदी आ रही उस तरफ ना आए, और एक लॉन्चिंग एप्रन बना। सिद्धार्थनगर में आज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और एक सिपाही भी बदमाशों की फायरिंग में घायल हो गया। एसओजी और सदर पुलिस के नेतृत्व में चल रहे इस ऑपरेशन में पुलिस ने कुल 5 सातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि आज मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करी। पुलिस को देखते हुए ही बदमाशों ने उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे एक सिपाही भी घायल हो गया। वहीं बदमाशों को पकड़ने के बाद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। साथ ही एसपी ने पुलिस टीम को 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है। सिद्धार्थनगर थाना, सिद्धार्थनगर कोतवाली क्षेत्र में आज एसओजी की टीम सुबह सुबह चेकिंग कर रही थी। इनके पास कहीं से इनपुट था कि जनपद में जो विभिन्न दिनांकों में जो मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं, उसके कुछ मोटरसाइकिलों के साथ में जो गैंग में इन्वॉल्व लोग हैं वो आएंगे, तो उसकी चेकिंग में पुलिस लगी हुई थी एसओजी की। उनके 2 साथी जो बाद में आए उनकी भी गिरफ्तारी की है। टोटल 5 लोग इसमें पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। एक अभियुक्त इसमें मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, एक एसओजी का कर्मचारी भी हमारा। अलीगढ़ में पलवल मार्ग पर होटल क्वालिटी में बराबर में दो आपस में अब कारें टकरा गईं। आपको बता दें कि टकराने के बाद दोनों कारें सड़क के गड्ढे में जा गिरी। दोनों कारों में सवार व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार में सवार व्यक्तियों को सीएचसी टप्पल में भर्ती कराया है, जहां से एक व्यक्ति को गंभीर हालत में जेवर कैलाश हॉस्पिटल के लिए भेजा गया है। तो अलीगढ़ में ये हादसा देखने को मिला है, जहां पर दो कारों की आमने सामने की टक्कर देखने को मिली, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने में मदद की। अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ इलाके में पैसों के लालच में शराबी व्यक्ति ने अपने भतीजे की पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या के मामले में मिली शिकायत के बाद पुलिस ने बिस्तौली नहर के पास से आरोपी ताऊ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के पास से एक रिवॉल्वर, 17 कारतूस और हत्या में इस्तेमाल किए गए अन्य सामान को भी बरामद कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही मुख्य आरोपी की गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।